मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर EAFM सेकंड बिजनेस बजटिंग व्यावसायिक बजटन के अंतर्गत पूर्व के व्याख्यान में हम रिवीजन कर रहे थे आपके साध्यता के बारे में, परियोजना साध्यता, परियोजना नियोजन एवं साध्यता के अध्ययन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत मैंने आपको परियोजना नियोजन एवं साध्यता के बारे में काफ़ी कुछ आपको विस्तार से बताया था। आज हम रिवीजन करेंगे प्रमाप लागत एवं विचरण विश्लेषण के बारे में। देखिए, प्रत्येक उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य अपने सीमित साधनों से अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति वह वस्तुओं एवं सेवाओं को ऊंचे मूल्य पर बेचकर अथवा कम मूल्यों पर अधिकतम मात्रा में बेचकर कर सकता है। लेकिन आज से इस प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं को ऊंचे मूल्य पर बेचना संभव नहीं है। अतः अधिकतम लाभ की प्राप्ति कम मूल्य पर अधिक मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय का द्वारा ही संभव है। किंतु इसके लिए सभी प्रकार के अपव्ययों को समाप्त करके कम से कम मूल्य पर उत्पादन किया जाना नितांत आवश्यक है। अन्य शब्दों में, वस्तु एवं प्रक्रिया की लागत पर उचित एवं पर्याप्त नियंत्रण की आवश्यकता है। प्रमाप लागत विधि इस कार्य में एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में सिद्ध हुई है। प्रबंध लेखांकन के उपकरणों में प्रमाप लागत विधि सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रमाप लागत विधि, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए, प्रमाप लागत के बारे में इससे पहले कि हम इसका आशय स्पष्ट कर दें, प्रमाप का आशय गुणात्मक या मात्रात्मक मूल्यों की तुलना या मापदंड से है। सरल शब्दों में, प्रमाप वांछित निष्पादन का प्रमाप माप है। यह वास्तविक निष्पादन का माप करने हेतु एक पूर्व निर्धारित मापदंड है। उदाहरण के लिए, यदि एक मजदूर का 10 टोकरियों प्रति घंटा प्रमाप हो तो एक मजदूर की योग्यता इस प्रमाप के आधार पर समझी जाएगी। प्रमाप लागत पूर्व निर्धारित या प्रत्याशित लागत है जो यह निर्धारित करती है कि दी हुई परिस्थितियों में एक वस्तु या सेवा की क्या लागत होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रमाप लागत वैज्ञानिक रीति से पूर्व निर्धारित लागतों पर आधारित स्वीकार्य लागत निष्पादन का माप है। प्रमाप लागत विधि, प्रमाप लागत विधि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निष्पादन मूल्यांकन तथा लागतों के नियंत्रण हेतु प्रमाप लागतों के उपयोग की एक प्रबंधकीय तकनीक है। प्रमाप लागत विधि में परिचालन कुशलता का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक उत्पाद या सेवा की प्रमाप लागतों की वास्तविक लागत से तुलना की जाती है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। ICMA लंदन की शब्दावली के अनुसार प्रमाप लागत विधि का आशय प्रमाप लागतों को तैयार करना एवं उनका उपयोग करना, उनकी वास्तविक लागतों से तुलना करना तथा विचरणों का उनके कारणों एवं प्रमाप बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण करने से है। विचरण, वेरिएंस एक दी हुई अवधि में बजटेड या प्रमाप राशि तथा वास्तविक राशि का अंतर है। आपने क्या प्रमाप निर्धारित किया था और क्या निष्पादन हुआ, क्या इतना परफॉर्म हुआ, यानी लागत, अगर हम प्रमाप लागत के बारे में चर्चा करें तो हम ये तय करते हैं कि हमें हमारे कितनी लागत आएगी। मान लीजिए हमने सोचा कि 50 रुपये की लागत आएगी और वास्तविक निष्पादन अगर हमारा 55 का है तो ये 5 रुपये का वेरिएंस हो गया। 45 का है तो ये 5 रुपये का वेरिएंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से विचरण एक दी हुई अवधि में बजटेड या प्रमाप राशि तथा वास्तविक राशि का अंतर है। उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है एक तरह से कि प्रमाप लागत विधि में निम्नलिखित चरण समाहित होते हैं। कौन कौन से? प्रमाप लागतों का निर्धारण है, वास्तविक लागतों का लेखा है, तुलनात्मक विश्लेषण है, विचरणों का विश्लेषण है, सुधारात्मक प्रयास है।
प्रमाप लागत विधि के लाभ क्या हैं। देखिए, प्रमाप लागत विधि निष्पादन, तुलना एवं नियंत्रण का माप करने का एक सक्रिय उपकरण है। यह एक ऐतिहासिक लागत विधि की तुलना में प्रबंध को अधिक सहायता करती है। इस विधि के महत्वपूर्ण लाभ इस प्रकार से हैं। निष्पादन मूल्यांकन एवं लागत नियंत्रण। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, प्रमाप लागत विधि विचरणों को दर्शाती है जिन्हें इनके कारणों एवं उत्तरदायी व्यक्तियों की जानकारी हेतु विश्लेषित किया जाता है। विचरणों के लिए दायित्व उत्तरदायित्व निश्चित करने के बाद सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है तथा अनुकूल या प्रतिकूल विचरणों के आधार पर कर्मचारियों को पुरस्कृत या दंडित किया जाता है। इससे निष्पादन मूल्यांकन एवं लागत नियंत्रण सुनिश्चित होता है। मूल्यवान प्रबंधकीय उपकरण। प्रमाप लागत विधि प्रबंध को मूल्य एवं नीति निर्धारण, लागत नियंत्रण एवं लागत कमी सुनिश्चित करने में सहायता करती है। वास्तविक निष्पादन की प्रमाप लागतों से तुलना लागत नियंत्रण एवं लागत कमी के लिए उपयोगी सूचनाएं प्रदान करता है। इस प्रकार यह एक अति मूल्यवान प्रबंधकीय उपकरण है। अच्छे निष्पादन हेतु अभिप्रेरणा। प्रमाप लागत विधि अधिकारियों, कर्मचारियों आदि को लक्ष्य जनित होने के लिए बाध्य करती है। चूंकि वे इस तथ्य से अवगत है कि परिणामों के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाएगा, इसलिए वे मेहनत, सावधानी एवं सतर्कता से कार्य करते हैं और संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हैं। इस प्रकार वे अच्छी तरह से कार्य करके पुरस्कार पाने के लिए अभिप्रेरित किए जाते हैं। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव है। प्रमाप लागत विधि में उत्पादन सुविधाएं तथा अन्य परिचालन दशाओं का प्रमापीकरण कर दिया जाता है जो संसाधनों, मानव सामग्री एवं मशीनों के उपयोग में अनावश्यक क्षय को रोकता है। अपवाद द्वारा प्रबंध। विचरणों के विश्लेषण के उपरांत विचरण प्रतिवेदन इस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि प्रबंध को सारहीन विचरणों पर अनावश्यक समय न खर्च करना पड़े। प्रबंध का ध्यान ऐसे अपवाद स्वरूप विचरणों की ओर से दिलाया जाता है जिन पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी है। इस प्रकार प्रमाप लागत विधि प्रबंध को अपवाद द्वारा प्रबंध करने में सहायता करती है। इसी तरह से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग के बारे में मैंने आपको बात बताई। अपवाद द्वारा प्रबंध विचरणों के विश्लेषण के उपरांत विचरण प्रतिवेदन इस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि प्रबंध को सारहीन विचरणों पर अनावश्यक समय न खर्च करना पड़े। प्रबंध का ध्यान ऐसे अपवाद स्वरूप विचरणों की ओर ही दिलाया जाता है जिन पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी है। इस प्रकार प्रमाप लागत विधि प्रबंध को अपवाद द्वारा प्रबंध करने में सहायता करती है। स्कंद मूल्यांकन। कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल तथा निर्मित माल का स्कंद प्रमाप लागत पर मूल्यांकित किया जा सकता है। इससे स्कंद मूल्यांकन की विभिन्न विधियां अपनाने से लाभों में होने वाले उच्चावचनों को कम किया जा सकता है। मितवे। प्रमाप लागत विधि से यानी कि प्रमाप लागत विधि के लिए उत्पादन लेखांकन तथा अभिलेखन पद्धति का प्रमापीकरण आवश्यक है। इससे क्षय एवं लिपि के कार्य न्यूनतम होते हैं, इसलिए यह सस्ती एवं मितव्ययी पद्धति है। बजट नियंत्रण एवं प्रमाप लागत विधि में अंतर, इसके बारे में हम चर्चा पूर्व में भी कर चुके हैं और आगे भी आवश्यकता होगी तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि बजट नियंत्रण एवं प्रमाप लागत विधि में क्या अंतर है। वैसे आपको प्रमुख रूप से बता दें कि बजट नियंत्रण और प्रमाप लागत विधि जो है उसमें लागतों की प्रकृति, क्षेत्र, प्रयुक्त इकाई, लागतों का निर्धारण, नियंत्रण स्तर, आय व्यय, लेखांकन कार्रवाई, इन आधारों पर हम बजट नियंत्रण एवं प्रमाप लागत विधि में अंतर कर सकते हैं। धन्यवाद।